बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फजल ताला हैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क थी जो हमने डिस्कस की, उसकी वर्किंग डिस्कस की। हार्ड डिस्क एक डिटेल टॉपिक था जिसको हमने सारा डिस्कस किया कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसकी कैपेसिटी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, ट्रैक सेक्टर क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग की कितनी टाइप्स हैं, एक्सेस टाइम का फॉर्मूला हमने देखा। ये सारी चीज़ें हमने हार्ड डिस्क में डिटेल से डिस्कस की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क। याद रखिएगा सी डी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इसमें भी यूज़र अपने डाटे को स्टोर करता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। हमने पढ़ा था कि फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क दोनों मैग्नेटिकली डाटे को स्टोर करती हैं। ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिसमें डाटा मकनातीसी को स्टोर किया जाता है, लेकिन सीडी जो है इस पर ऑप्टिकली मतलब लाइट के ज़रिए से डाटा स्टोर किया जाता है। रीड भी किया जाता है लाइट के ज़रिए से ही और राइट भी किया जाता है लाइट के ज़रिए से, इसलिए इसको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। सीडी का जो साइज़ होता है, सीडी एक राउंड शेप में हमें मिलती है, ठीक है, एक सर्कल नुमा एक डिस्क होती है गोल, और इसका जो साइज़ होता है वो 5 inches इन डायामीटर, 5 inches इन डायामीटर, ये हमारी सीडी का साइज़ होता है कि 5 inch की हमारी सीडी होती है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें कितना डाटा स्टोर कर सकती है सीडी, तो मैक्सिमम 700 MB का डाटा सीडी में स्टोर किया जाता है। अब तकरीबन इसका जो यूज़ है वो वैनिश हो चुका है, डीवीडीज आ गई, ब्लू रेज आ गई, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये इस्तेमाल की जाती है। किन मकासद में वो भी हम पढ़ते हैं। तो 700 MB जो है 700 MB का डाटा एक सीडी स्टोर करने की सलाहियत रखती है। 700 MB में अगर मैं बात करूं कि इसमें ऑडियो या वीडियो कितने मिनट की स्टोर होगी, तो 80 मिनट्स की ऑडियो या वीडियो इसमें स्टोर की जाती है। तो अगर 40 मिनट्स की मैं ऑडियो या वीडियो इसमें रिकॉर्ड करूं तो कितनी मेमोरी यूज़ होगी, ऑब्वियसली इसका हाफ हुआ है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी 350 MB कंज्यूम की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी सीडी का साइज़ और ये उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब सीडी के कुछ यूजेज़ हैं, अगर आपको क्वेश्चन आए कि सीडी के यूजेज़ लिखें, आप खुद से भी बहुत से लिख सकते हैं, आपको पता है कि आज ये कॉमन बातें सारी कि सीडी जो है, सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर हम अपना बैकअप बनाते हैं। बैकअप किसे कहते हैं? बैकअप का मतलब होता है ओरिजिनल डाटा की कॉपी बना लेना। एक डाटा हमारे पास सिस्टम में मौजूद है, कंप्यूटर में मौजूद है, सेव है, और मैं चाहता हूँ कि कल को एक्सीडेंटली वो डाटा लॉस्ट ना हो जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, तो उसको मैं सीडी में सेव करके सीडी अपने पास रख लूँगा, संभाल लूँगा, ताकि अगर वो डाटा लॉस्ट हो जाए तो सीडी में उसका बैकअप पड़ा हो। सीडी बैकअप के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ ये है कि हम फिल्म्स और सॉन्ग्स वगैरह, ये जितनी ऑडियो वीडियो आजकल चलती हैं, ये फिल्म्स वगैरह इस पर राइट करके मार्केट में सेल करते हैं, लोग इसको खरीदते हैं, ठीक है। और भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, हार्ड डिस्क है, USB है, फ्लॉपी डिस्क है, लेकिन सीडी एक ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके ऊपर ऑडियो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके मार्केट में बाकायदा सेल किए जाते हैं, ठीक है। बाकियों में ऐसा नहीं होता है, बाकी जो है महंगी डिवाइसेस होती हैं, सीडी सस्ती होती है, ये बाकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के नस्बत चीप होती है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। उसके बाद सीडी जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी राइट करके मार्केट में सेल किए जाते हैं, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर भी सेव करके मार्केट में बेचे जाते हैं और वो कम कीमत में हमें मिल जाते हैं, क्योंकि सीडी जो है उसका कोई खर्चा नहीं होता, जो भी है वो सॉफ्टवेयर का ही खर्चा होता है। तो चूँकि चीप है इस वजह से इसी को यूज़ किया जाता है डाटा स्टोर करके मार्केट में सेल करने के लिए। सीडी जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं जो ऑनलाइन भी मिलती हैं, अगर हम उनको ऑफलाइन भी मतलब अगर हम डाउनलोड नहीं कर सकते तो मार्केट से अगर हम खरीदेंगे तो वहाँ पे हमें वो एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो कि सीडी में सेव होंगी। सीडी को चलाने के लिए इसे हमें सीडी रोम में डालना पड़ता है, और आपको पता है हमारा जो सीडी रोम होता है वो सीडी को रीड करता है, उसके ऊपर जो भी डाटा उसको रीड करता है ऑप्टिकली, क्योंकि इसके ऊपर डाटा राइट भी लाइट के ज़रिए से होता है, और डाटा इसके ऊपर से जो रिट्रीव होता है, रिट्रीव का मतलब मैंने आपको बताया था डाटे को एक्सेस करना, डाटा निकलवाना, ठीक है, डाटे को ब्रिंग करना, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास सीडी रोम ही इस्तेमाल होगा, सीडी रोम ही इसके ऊपर से डाटे को एक्सेस करेगा। ये कॉमनली यूज्ड डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, जो कि इन तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। ये सीडी में ओवरव्यू था, जितनी बातें बताई इन्हीं को आप लिख देंगे तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें ये MCQs हैं कि इसका साइज़ कितना होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।